सिस्टर का नाम काजल है और जे अजनाला रोड महला गवाल गांव के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे इनके बेटे की गवाही है और जे बता रही कि इनका बेटा 1.5 साल का हो गया है और तब से लेकर अभी तक जे पूरी रात जे सोता नहीं है, जे बहुत ज़्यादा जे रोता रहता है। जे सिस्टर ने बताया कि जे बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी देते थे, इनको लगता था कि शायद इसके पेट में गैस की प्रॉब्लम ना हो, जब बुखार ना हो, जब दर्द ना हो रही हो, जे बहुत ज़्यादा मेडिसिन देते थे, फिर भी जे बेटा इनका सो नहीं पाता था और जे बताते थे कि इनका बेटा इनसे भी डरता था और जे इनके पापा के पास ही रहता था और जे काफ़ी परेशान थे। और जे सिस्टर ने बताया कि जैसे ही 1.5 साल से ऐसे ही जे सो नहीं रहा था और सुबह जे सोता था और खेलता भी था पर रात को जे नहीं था सोता। और जे सिस्टर ने बताया कि जब जे सिस्टर 20 जनवरी थर्सडे की मीटिंग में आए, उस दिन पर्सनल मीटिंग थी और जैसे जे सिस्टर ने पर्सनल मीटिंग को अटेंड किया और जैसे मीटिंग के बाद इन्होंने प्रभु के दास के साथ अपनी मीटिंग की और जैसे इन्होंने अपनी इस बेटी की प्रॉब्लम को बताया और इनको उत्साहित किया गया और जैसे प्रभु के दास के मुख से इनके लिए वर्ड आया कि जाओ आज से आपका बेटा बहुत ही अच्छी नींद और मीठी नींद सोएगा और जैसे इन्होंने विश्वास किया, उस वर्ड को रिसीव किया और धन्यवाद देते रहे और आज ये सिस्टर बता रहे कि जो 1.5 साल से इनका बेटा पूरी रात नहीं था सोता, आज ये पूरी रात अच्छी नींद सो रहा है, कोई भी मेडिसिन नहीं दे रहे, आज परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इस बच्चे को पूरी तरह से आजाद कर दिया। तारीफ करो इस बात के लिए, छोटी बात है, ये छोटी बात है, बोलो छोटी बात है। 1.5 साल से जब से ये बच्चा पैदा हुआ, अब ये 1.5 साल का है, तब से ये पूरी रात सोता नहीं था। जब छोटी बात देखो, अब कोई बच्चा, इतना छोटा बच्चा सारी रात सोए ना, तो रात तो सोने के लिए, विश्राम के लिए, आराम के लिए ना। अगर क्योंकि ये रोएगा तो जो माता पिता है, जो फैमिली वाले, वो तो डिस्टर्ब रहेंगे, पूरी रात सो नहीं पाएंगे, वो दिने कैसे कामकाज करेंगे, तो उनका तो खुद शरीर खराब हो जाएगा, इसकी वजह से वो खुद बीमार हो जाएंगे। ये छोटी बात है, इसलिए जो काम इन्होंने किया आप भी करो। इसलिए अपने पड़ोसी से कहो पर्सनल मीटिंग का फायदा है। कहो अपने पड़ोसी से, क्या है अपने पड़ोसी से कहो पर्सनल मीटिंग का भी क्या है, फायदा है जो इन्होंने लिया। आ तो रहे थे, बोलो क्या है, क्योंकि जैसे आज आप कह रहे थे हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि फिर मैं अच्छे से समझा देता हूं, समझ रहे हो। और जैसे इन्होंने उस बात को अच्छे से समझा, उसी दिन जो 1.5 साल से प्रॉब्लम थी, ये सोचते थे इसके पेट में गैस बनती होगी, कुछ होता होगा, दर्द होती थी, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर भी अपने हिसाब से इसे मेडिसिन दे देता था। हाँ, तो ये लगातार मेडिसिन तो दे रहे थे, मगर मेडिसिन से भी वो काम नहीं हो रहा था। फिर वो दिने तो ये सोए क्या रहता था, दिने सो भी जाता था और खेलता भी था, दिने तो ये सो जाता था, खेलता भी था, पर रात को फिर वही चीज होती और ये परेशान थे। क्योंकि जब परेशान होता तो इंसान का जो मन है खुदा से भी अपसेट हो जाता है ना, समझ आ रही है ना। और ये ऐसे थे, ऐसे चल रहा था इनका सिस्टम। और जैसे ही इन्होंने उस दिन पर्सनल मीटिंग की, विश्वास से आए और जब मैंने जो बातें इन्हें सिखाई, इन्होंने मन से लिया उन बातों को, कैसे लिया, मन से, विश्वास से, ये भी बहुत जरूरी है ना। और जिस दिन से इन्होंने उस बात को, उन वचनों को, उन सब बातों को जो मैंने इन्हें सिखाई, उसी दिन से ना जी, उसी दिन से ये 1.5 साल की जो प्रॉब्लम थी, देखो ये छोटी बात नहीं है, बोलो क्या है, मैं नहीं समझता ये छोटी बात है, बोलो क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं है। पूरी रात बच्चा रोए, समझ आ रही ना कितनी डिस्टर्बिंग की बात है, पर ये डिस्टर्बिंग किसने खत्म किए, किसने, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो, जोर से। आमीन।